मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, जो HSSC के पेपर लीक हो रहे हैं उससे मामले में क्या है, एक कानून बनने वाला है तो आपको उससे कितना फ़ायदा होगा, और पेपर लीक होने वाले मामले में एक बड़ी खुशखबरी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देखते हैं, नकल या पेपर लीक में शामिल लोगों को आजीवन नौकरी नहीं, यानी इस बात से आप कितना संतुष्ट आप दे सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी अगर ये कानून फाइनली आपका पास हो जाता है तो, क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको अगर नौकरी नहीं मिलेगी ना तो क्या है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पेपर लीक की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या संपत्ति अटैच की जाएगी और 7 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। अभी मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के दौरान नकल और पेपर लीकेज की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग गंभीर हो गया है, और कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि प्रदेश सरकार विधानसभा को जो मानसून सत्र है उसमें नकल विरोधी कानून लेकर आए, और इस कानून में क्या नकल करने वाले कराने वाले और उसके जो सहयोगी है उनकी संपत्तियाँ अटैच की जाएगी, और आयोग में ऐसा काम को कम से कम 7 साल की सज़ा देने और 1 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान का सुझाव दिया है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी कारणवश आरोपी लोगों से रिकवरी ना हो पाए तो कम रिकवरी हो पाए तो आरोपी लोगों को जुर्माने का भुगतान न कर सके तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए। चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के नेतृत्व में आयोग के सभी सदस्य बृहस्पतिवार को संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले, और जो आपकी अभी मीटिंग इसमें है तो नकल विरोधी कानून लाने की जो बात है वो कही गई है। तो हरियाणा पुलिस में आप सभी को पता है जो कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ था उसके बाद में क्या विपक्ष भी हमलावर है, और जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो भी क्या है प्रदर्शन इस बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने प्रस्ताव रखा, और नकल जो कराने की धारा है वो आपकी 468, 471, 420 और 120 बी के तहत सजा का प्रावधान तो है ही, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और नए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। यानी ये आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि इनको एक तो नौकरी ना दी जाए पूरी ज़िंदगी, और जो इनको सजा दी जाए अगर किसी जो कैंडिडेट है वो जो जुर्माना नहीं भर सकता है तो उसको क्या है सज़ा बढ़ाई जानी चाहिए उसकी 7 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो ये अगर कानून बन जाता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट रहेगी, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। तो ये अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अपडेट आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्या नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।